Welcome to all in Monica's foundation classes. I hope you all are fit and fine. In today's class, we are going to do the grammar check from our chapter Picnic at the Farm. In this topic, we are going to learn about the use of this, that, these, or those. So let's start. Now दिस इज़ अ पेंट ब्रश दैट इज़ अ स्पलॉच नाओ दिस इज़ अ बॉय एंड बॉय जो है वो कह रहा है दिस इज़ अ पेंट ब्रश अब वो किसके लिए दिस का यूज़ कर रहे हैं जो उसके हाथ में है यानी कि जो चीज़ उसके नियर है और स्प्लॉच कहाँ पर है उससे दूर है तो जो उसे फॉर अवे मीन्स दूर है तो उसके लिए किसका यूज़ कर दैट सो वी यूज़ दिस फॉर समथिंग दैट इज़ क्लोज़ बाय और जो नंबर में क्या होती है सिंगुलर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं डिस्क जो चीज़ हमारे क्लोज बाय है यानी कि नीयर है और नंबर्स में वो कितनी है सिंगुलर है यानी कि एक सिंगल चीज़ के लिए हम डिस्क यूज़ करते हैं और वी यूज़ दैट फॉर सम थिंग डैट इज फॉर ऑफ और जो चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए और सिंगुलर होती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं दैट का वी यूज दिस एंड दैट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग अगर हम किसी सिंगुलर थिंग के लिए सिंगल चीज के लिए वन थिंग के लिए यूज़ करते हैं जो हमारी चीज़ हमारे बिल्कुल नियर होती है यानी कि पास होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस का और जो चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट का सो दिस एंड दैट पहले हम दिस और दैट के बारे में बात करते हैं उसके बाद हम यूज़ करेंगे दीज एंड दोस्त के बारे में बात करेंगे सो so, इसके लिए मैंने एक वर्कशीट बनाई है यूज़ ऑफ दिस और दैट अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ हमारे पास है अब ये चीज़ हमारे पास है यानी कि ये हमारे पास है नियर तो जो चीज़ मैंने नियर शो की है वो मैंने लेफ़्ट साइड बनाई है और जो मैंने फॉर अवे मेज दूर चीज़ बनाई है तो उसके लिए मैंने एक तो ये एरो का यूज़ किया है और मैंने राइट हैंड साइड बनाई है तो अब ये हमारे है नियर एंड ये फार नियर फार जो चीज़ पास है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं दिस का और जो चीज़ हमसे दूर है यानी कि फार है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं दैट का और ये है सिंगुलर थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ओनली वन थिंग के लिए राइट अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं सो दिस इज़ अ ट्री दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ट्री अब हम इसके लिए क्या करेंगे ये हमारे पास है और इसके लिए हम किसका यूज करेंगे दिस का दिस इज अ ट्री अब ये जो है ये है मैट मैट मैंने शो किया एक एरो से जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये हमसे क्या है बेटा दूर है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे दैट इज अ मैट जो हमसे चीजें दूर हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं दैट दैट इज अ मैट अब ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ये इंडिकेशन है कि ये चीज हमारे पास है नियर है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे दिस सो दिस इज अ हट, दिस इज अ हट नाउ नेक्स्ट जो पिक्चर है वो हमारी फिश की है फिश को जो मैंने एरो से इंडिकेट किया है यानी कि और हमने राइट हैंड साइड बनाई है तो ये हमसे दूर है यानी कि फार है तो इसके लिए हम यूज करेंगे दैट इज अ फिश दैट इज अ फिश नाउ ये बैट है तो ये भी क्या इंडिकेशन है हमारा दूर है यानी कि फार है सो so, इसके लिए हम किसका का यूज करेंगे दैट का दैट इज अ बैट इज अ बैट नाउ फैन फैन कहाँ है हमसे दूर है तो हमने इसके लिए भी किसका यूज करना है दैट दैट इज अ फैन नेक्स्ट है ये है हमारा पेन पैन हमारा लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि यह हमारे नियर है तो इसको हम किसका यूज करेंगे दिस दिस इज अ पैन बॉल है बॉल जो है हमारे नियर है तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे दिस का दिस इज अ बॉल राइट right. नेक्स्ट है हमारा लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड अब ये है हमारी नेक्स्ट पिक्चर है दिस और दैट इज अ बलून तो ये किस क्या लगेगा हमारा ये वन थिंग है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे दिस सो so, बच्चों अब तो ये तो हमने पढ़ा दिस और दैट के यूज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ दीज और दोज के बारे में वी यूज़ दीज फॉर थिंग्स दैट आर क्लोज बाय अब दीज का हम यूज़ वो करें उन चीज़ों के लिए लगाएंगे जो हमारे पास में हैं एंड वी यूज़ दोज फॉर थिंग्स दैट आर फार ऑफ़ जो चीज़ें हमसे दूर हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे दोज का दीज का यूज़ करेंगे जो चीज़ें हमारे पास हैं और नंबर में ज़्यादा है दोज़ का यूज़ करेंगे जो चीज़ें ज़्यादा हैं और हमसे दूर हैं वी यूज़ दीज एंड दो वैन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर दैन वन थिंग जब हम मोर देन वन थिंग यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम दीज़ और दोज का यूज़ करते हैं ठीक है जी अब मैं समझती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कहाँ पर हमने यूज़ करना है दिस का कहाँ पर हमने दैट का करना है कहाँ पर हमने दिस का करना है और कहाँ पर हमने दोज़ का करना है, है। जहाँ पर तो सिंगुलर थिंग है उसके लिए हम यूज़ करते हैं और हमारे पास में हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस का है जो चीज़ हमसे दूर है और नंबर में वो सिर्फ वन है यानी कि एक चीज़ है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे दैट का और इसके ऑपोजिट जो हमारे पास नंबर में ज्यादा चीजें हैं मोर देन वन है तो उसके लिए हम जो चीजें हमारे पास हैं, उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे और जो चीजें हमसे दूर हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे दोज का, राइट? चलिए अब ये एक्सरसाइज है हम इसको करते हैं लुक एट पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड नाउ लुक एट दिस पिक्चर ये है बलून बलून जो है वो हमसे क्या है दूर है फॉर ऑफ मींस दूर है तो अब इसके लिए हम किसका यूज करेंगे दिस दैट इज अ बलून अब जो बलून है वो हमसे दूर है और सिंगुलर है और उसके लिए हम जो दूर चीज है और एक सिंगुलर है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे दैट दैट इज अ बलून नेक्स्ट है हमारी पिक्चर These, those आर कप्स अब ये जो कप्स हैं ये हमारे क्या हैं? पास में हैं नियर हैं तो इनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे डीज का करेंगे कि दोज का अब ये चीज़ें हमारे पास हैं तो इनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे दिज डीज आर कप्स और एक आप और चीज़ समझिए ये क्या है इज़ यानी कि सिंगुलर थिंग के लिए हम इज़ का यूज़ करते हैं एंड प्लूरल के लिए किसका यूज़ करते हैं आर का मोर देन वन है इट मीन्स ज्यादा चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं आर का सो दीज आर कप्स नेक्स्ट है दिस और दैट इज अ बॉल अब ही एक सिंगुलर बॉल है एक सिंगल है और ये हमारे पास है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे दिस दिस इज अ बॉल नेक्स्ट है दिस और दो आर फ्रूट्स अब ये फ्रूट्स हैं मोर देन वन है तो और यहाँ पर देखियो देखें आप आर और एस लगाए यानी कि आर मीन्स मैनी के लिए लगाते हैं और फ्रूट्स एस लगा हुआ है और ये हमारे से क्या है दूर हैं फॉर ऑफ है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे दोस दोस आर फ्रूट्स नाउ दिस और डीज आर चैरीज अब देखिए चेरीज है मोर देन वन है तो इसके लिए हम किस का यूज़ करेंगे दिस का कि डीज का क्योंकि मोर देन वन है तो इसके लिए हम किस का यूज़ करेंगे डीज का और ये हमारे पास में भी हैं तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे डीज डीज आर चैरीज नेक्स्ट है हमारा दैट और दोज इज़ आर प्लेन अब देखिए ये जो प्लेन है एक तो सिंगुलर है ओनली वन ऑब्जेक्ट है तो और ये हमसे दूर है सिंगल सिंगुलर है और वन थिंग है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे दैट दैट इज अ प्लेन नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस दैट दीज और दोस आइए हम इस ब्लैंक blank, इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं डैश इज द सन अब देखिए जो सन की पिक्चर है ये उन्होंने काफ़ी दूर बनाई है यानी कि हमसे काफ़ी दूर है तो जो चीज़ें हमारे पास नहीं है दूर हैं और ये क्या है सिंगुलर तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे दैट दैट इज अ सन दैट इज अ इज द सन नाउ डैश आर स्टार्स अब देखिए स्टार्स बहुत छोटे छोटे हैं और काफी हैं एस लगा हुआ है हमारा और आर लगा हुआ है यानी कि और हमसे क्या है दूर हैं ठीक है फॉर ऑफ प्लेस में हैं तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे दोस्त दो आर स्टार्स दोस् आर स्टार्स नाउ डैश आर माई बुक्स अब ये चीजें पास में ये देखो नियर Far, near, far, near, far. अब ये जो बुक्स हैं ये भी हमारे के पास में है नियर है और ये क्या है मोर देन वन है तो इसके लिए हमने आर का यूज किया तो ये बुक्स के लिए क्या लगेगा दीज आर माई बुक्स नेक्स्ट इज डैश इज माई डॉग आप देखिए डॉग को डॉग की पिक्चर कहां बनी हुई है काफी दूर है तो और सिंगुलर है एक अकेला डॉग है दिस इज माई डॉग नहीं होगा क्या होगा इसके लिए दैट इज माई डॉग क्योंकि ये सिंगुलर है सिंगुलर थिंग के लिए के हम किसका यूज करते हैं इज का नेक्स्ट है डैश आर मैंगो ट्रीज अब ध्यान से देखिए मैंगो ट्रीज कहाँ हैं दूर हैं फार अवे हैं सो इनके लिए हम किसका यूज करेंगे दोज का दोज आर मैंगो ट्रीज नाओ अब ये डैश आर माई फ्रेंड्स अब ये जो फ्रेंड्स है वो कहाँ है पास में है और मोर देन वन है पास में है और मोर देन वन है तो इनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे दीज आर माई फ्रेंड्स दीज आर माई फ्रेंड्स नेक्स्ट है डैश इज माई शर्ट नाउ शर्ट जो है वो हमारे पास में है और सिंगुलर है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे दिस दिस इज माई शर्ट नाउ नेक्स्ट इज ड बॉय इज़ माई ब्रदर अब ये जो ब्रदर है वो कहाँ खड़ा है बहुत दूर खड़ा है तो हम क्या कहेंगे एक सिंगुलर है तो हम इसके लिए क्या कहेंगे दैट बॉय इज़ माई ब्रदर दैट बॉय इज माई ब्रदर अब ये देखिए बॉय कहाँ है दूर है इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे दैट दैट बॉय इज माई ब्रदर दैट बॉय इज़ माई ब्रदर नेक्स्ट है डैश एप्पल्स आर रेड अब जो एप्पल्स हैं वो कहाँ हैं पास में हैं और मोर देन वन है तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे दीज दीज एप्पल्स आर रेड दीज एप्पल्स आर रेड नेक्स्ट है डैश इज हर हाउस अब जो हाउस है वो सिंगुलर है और कहाँ है दूर बना हुआ है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे दैट दैट इज उस सो आई होप कि आप सबको जो कॉन्सेप्ट है डेस दैट और डीज दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज़ मॉनिकाज फाउंडेशन क्लासेस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेल देन। हैव अ नाइस डे